नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, ये है कॉटेक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, ठीक है, कॉटेक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट, कॉट कितने रेडियन का वैल्यू, रूट थ्री होता है, तो पाई बाय सिक्स का, पाई बाय सिक्स का, अरे हाँ जाना कहे कि टेन थर्टी का वैल्यू होता है वन बाय रूट थ्री, तो कॉट थर्टी का वैल्यू केवल रूट थ्री होगा, ठीक है, तो वो होगा पाई बाय सिक्स। अब देखिए कि कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो जवाब होगा कि पहला तो कॉट नेगेटिव यहाँ होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा कॉट नेगेटिव यहाँ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि जहां पर टेन पॉजिटिव वहां पर कॉट भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर टेन पॉजिटिव तो यहाँ पर कॉट भी पॉजिटिव, तो बाकी कॉट नेगेटिव कहाँ, तो सेकेंड और फोर्थ में, तो कितना होता है पाई माइनस थीटा, तो कॉट को अगर पॉजिटिव करना है तो पाई में से घटाना पड़ेगा हमको पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाय सिक्स को, और ये कहाँ नेगेटिव होता है उस पर डिस्कस करें, तो ये होता है टू पाई माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा, तो फाइनली जो है वो हो जाएगा कॉट पाई में से पाई बाय सिक्स चला गया, कितना बचा फाइव पाई बाय सिक्स बचा, अरे हाँ है ना फाइव पाई बाय सिक्स बचा, और टू पाई में से पाई बाय सिक्स चला गया, चौदह बारह में से एक चला गया ग्यारह, यानी कि ग्यारह पाई बाय सिक्स बचा, ठीक है, तो यहां से एक्स इक्वल टू कितना निकला, एक तो निकला मेरा फाइव पाई बाय सिक्स, दूसरा निकला अलेवन पाई बाय सिक्स, दूसरा निकला अलेवन पाई बाय सिक्स, तो ये दोनों जो निकला, ये दोनों क्या निकला इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसके बाद जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उस पर डिस्कस करें, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए जो है वो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट फाइव पाई बाय सिक्स होगा, इतना होगा, ठीक है, क्योंकि कॉट कितने का मान माइनस रूट थ्री, तो माइनस कॉट पाई बाय सिक्स होगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट फाइव माइनस पाई बाय सिक्स होगा, यानी कि फाइनली जो है वो कॉट फाइव पाई बाय सिक्स होगा, ठीक है। हम लोग प्रिंसिपल में एक ठो को और लेकर के चलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का डेफिनेशन ही मैंने बताया है कि वो जीरो से टू पाई मीन एक कंप्लीट साइकिल में वो जाएगा, तो कंप्लीट साइकिल में अगर हम देखें तो कॉट नेगेटिव यहाँ होता है यहाँ होता है दो जगह, इसीलिए जो है यहाँ पर हम लोग कंप्लीट में लेकर के चलते हैं, लेकिन जनरल में जो है ऐसा कोई भी बात नहीं है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर केवल हम लोग एक को ही अगर हम लोग लेकर के चले तो हमको तो केवल इक्वेशन में निकालना है, तो वहां से एक्स का जो है वो वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर ये क्या होगा कॉट फाइव पाई बाय सिक्स, अब अगर कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट अल्फा रहे, जैसे कि यहाँ टेन एक्स इज इक्वल टू अगर टेन अल्फा रहे, तो एक्स का मान क्या होता है, एक्स का मान होता है एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है फाइव पाई बाय सिक्स, चूंकि टेन का वो इक्वेशन है तो कॉट का भी वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये तो मेरा टेन का ना सॉल्यूशन है, तो कॉट का भी वही सॉल्यूशन होगा, चूंकि कॉट उसका जस्ट ये है रेसिप्रोकल है, तो इसका हो गया जनरल सॉल्यूशन एन पाई प्लस फाइव पाई बाय सिक्स हो गया। चलिए नोट कीजिए।